सर कम शब्दों में सभी पत्रकार बंधुओं को बीजेपी टीचर सेल की तरफ से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन बहुत दिनों से वो किसी संगठन द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा डाली जा रही है या वो दी जा रही है। हरियाणा में इतने स्कूल बंद होंगे, इतने फर्जी स्कूल हैं, इतना बिना मान्यता के स्कूल है, इतने अस्थायी स्कूल हैं, वो सब बंद होंगे, उन पर तालाबंदी होगी, तो इन खबरों पे अंकुश लगाने के लिए इस प्रकार की खबर ना चले। कल हरियाणा शिक्षा विभाग के एसीएस एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने एक प्रेस नोट रिलीज किया है जिसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि हरियाणा सरकार, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट किसी भी स्कूल को बंद नहीं करेगी, मान्यता के लिए अप्लाई नहीं किया। जो स्कूल टेम्परेरी रिकॉग्नाइज है, जो स्कूल परमिशन वाले हैं, या जो एग्जिस्टिंग में जो अभी पिछले दिनों एग्जिस्टिंग की सूची जारी हुई थी, उन स्कूलों के ऊपर किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है, वो स्कूल जैसे चल रहे वैसे ही चलेंगे। हरियाणा में अधिकारियों से भी मेरी बात हुई है, सरकार के प्रतिनिधियों से भी मेरी बात हुई है, किसी भी स्कूल को बंद नहीं किया जाएगा। जो स्कूल मान्यता के लिए फाइल नहीं लगा रहे, ये दिक्कत सिर्फ उन स्कूलों को है। माननीय हाईकोर्ट ने, किसी संगठन ने, स्वयं वो संगठन ने एक याचिका डाल रखी है कि इतने स्कूल फर्जी स्कूल है, इतने स्कूल टेम्परेरी मान्यता के हैं। माननीय हाईकोर्ट ने कभी ये नहीं कहा कि स्कूलों को बंद करो। पिछले दिनों भी मैंने आपको एक फैसला दिया था माननीय हाईकोर्ट का, उसमें यह है कि स्टेटस बताया जाए, इन स्कूलों का स्टेटस क्या है। स्कूल चलेंगे, अच्छे से चलोगे चलेंगे, क्योंकि हरियाणा के प्राइवेट स्कूल क्वालिटी एजुकेशन देने का, बच्चे का सर्वांगीण विकास का एक उद्देश्य है हरियाणा सरकार का, ये प्राइवेट स्कूल उद्देश्य को पूरा करने में सरकार का सहयोग करते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं ऐसे संगठनों को भी चेतावनी देता हूं कि अपनी इन हरकतों से, ये घटिया जो हरकतें करते हैं उनसे बाज आए। वो किसी न्यायालय के या किसी सरकार के स्पोक्समैन नहीं है। वो हरियाणा सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने बिल्कुल क्लियर शब्दों में ये कहा है कि जो स्कूल हमारे पास, जिसने फाइल लगा रखी है परमिशन की, मान्यता की, या एग्जिस्टिंग में जो स्कूल है, उनको हम बंद नहीं कर रहे, उनको हम नियम के अनुसार मान्यता देने का काम करेंगे। सरकार का काम रोजी रोटी छीनना नहीं है, सरकार का काम रोजी रोटी देना है। इंद्रवेशी हाई कोर्ट के किसी भी फैसले में यह नहीं है कि स्कूलों को बंद किया जाए। हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि ये विद्यालय हैं, किसी संगठन ने इन विद्यालयों का दायर किए कोई याचिका, इन विद्यालयों का स्टेटस बताया जाए। चलिए सर, वो ठीक है, बगैर मान्यता। मैं एक बार इंद्रवेशी आपकी पूरी बात करता, एक बार जवाब दे रहा हूं मैं पूरा। उस लिस्ट में जो लिस्ट जारी करी, उस लिस्ट में मैंने आपको उसकी फोटोकॉपी दी थी, उस लिस्ट में कितने ऐसे स्कूल है जिनके आगे रिकॉग्नाइज लिखा हुआ था, एक बात। दूसरी बात, एक एग्जिस्टिंग की सूची हमारी सरकार ने जारी करने की, वो थोड़ा सा किसी वजह से लेट हो गई थी, पिछले दिनों उसको जारी कर दी। अब वो जिसने एग्जिस्टिंग में जिसका नाम आ गया वो फाइल लगाएगा, और फाइल लगा के थोड़ा सा प्रोसेस तो होता होगा ना जी। वो इंद्रवेशी कानून के दायरे में वो बात करता तो वो अपने संगठन के बच्चों को प्रेशर में, स्कूलों में प्रेशर डाल के अपने बच्चों को तो नहीं पढ़ाता ना। सरमाजी की बात अलग है, अपने बच्चों की अलग बात है। प्राइवेट स्कूल अच्छा काम कर रहे हैं, इस बात को आप भी मानते हैं, एक समाज के हित का काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। अगर कोई गलत काम करता हो वो बात है अलग, आपके संगठन के राष्ट्रीय पैसा मिलेगा, बच्चों का एडमिशन भी होगा, सारे काम होंगे। नहीं, सरकार ने तो कह दिया अगर एडमिशन तो कार्रवाई होगी। सरकार ने ये कहा हम पैसा रिलीज करेंगे। सरकार ने ये कहा अगर तुम दाखिला नहीं दोगे तो हम कार्रवाई करेंगे। ये भी आप एक दीपक जी ये पढ़ो ना, ये मेरे पास अधिकारियों की कोई आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी है वो अभी सरकार के सदर पे ये बातचीत चल रही है, और दो तीन दिन में प्रयास है कि इस पैसे को रिलीज करवा। हरियाणा पैसा अलग पर ये पूरे देश का है, जो सरकारी किताबें हैं वो प्राइवेट स्कूल क्यों लगा रहे भी यही चाहती है।
हमारी तो एक छोटी सी शिकायत है कि अभी पिछले दिन हमारी ऐसे हिसाब से बात हुई है कि जिन लोगों ने फर्जी अपने ये राशन कार्ड बीपीएल के और ये इनकम सर्टिफिकेट जो फर्जी बनवा रखे हैं उनकी इंक्वायरी हम करवाएंगे। हम एडमिशन के लिए किसी बच्चे को मना नहीं कर रहे, सबको एडमिशन दे रहे हैं और अच्छी शिक्षा समान विकास उस बच्चे का होता है। हमारे मन में किसी भी स्कूल वाले या किसी के मन में ये नहीं है कि ये बच्चा हमारा 134 में पढ़ रहा है तो इसको हम सुविधा ना दें। हम सारी सुविधाएं उस बच्चे को जो फीस देकर जो बच्चा पढ़ता है उसको 134 वाले को भी सेम सुविधाएं हम देते हैं। ये व्यक्तिगत मेरी उनकी कोई किसी संगठन की कोई लड़ाई नहीं है, ये कानूनी धमकी है। मैं आप लोगों के माध्यम से, मैंने पिछले दिनों भी आपके माध्यम से पूछा था, ऐसे संगठन के जो पदाधिकारी बैठे थे उनके बच्चे 134 का लाभ क्यों ले रहे हैं? अगर वो समाज का ही चाहते हैं, गरीब बच्चे का ही चाहते हैं, तो वो अपने बच्चों को 134 का फर्जी उनके खुद के जो इनकम सर्टिफिकेट है वो फर्जी बनवा रखे उन्होंने। चेक तो नहीं कराया? अभी चेक करवाएंगे ना जी। आज तक देखो मैं बताऊं दीपक जी, हमारा काम है पढ़ाना, हमारे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने का काम हमारा स्कूल करता है। इन बेकार की चीजों में समय हमारे पास होता ही नहीं। अगर हमारा ध्यान वहां से हटेगा तो नुकसान किसका होगा? बच्चे का नुकसान होगा। हम नहीं चाहते किसी बच्चे का नुकसान हो।